what is a war? War is when your life is under attack. And during COVID, everybody's life was under attack. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं पूरी देख नहीं पा रहा था। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ। तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई। वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है। अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती उसकी। मानना है कि अगर आप किसी देश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ की 4-5 फिल्में, अगर आप समझिए पोलैंड जा रहे हैं, चेकोस्लोवाकिया जा रहे हैं, आप तो नहीं है शायद पल्लवी, है ना, हाँ स्लोवाकिया जा रहे हैं या जॉर्जिया जा रहे हैं या तंजानिया, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ की 4-5 फिल्में देख लें तो आप उस कंट्री की वेशभूषा, वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ का खान पान और रिलेशनशिप, जनरली लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और लोकल लोग कैसे, कुछ तो आइडिया उस कंट्री के बारे में लग जाता है। पर मैंने देखा कि अगर कोई जो टिपिकल बॉलीवुड की जो फिल्में थी अगर उनको कोई देखे तो लंदन न्यूयॉर्क के बारे में ज़्यादा जान जाता है, इंडिया के बारे में नहीं जान पाता है। तो इसलिए तो द रीज़न इज वी एट आई एम बुद्धा वी डिसाइडेड, ये कॉन्शियस डिसीजन था, वी डिसाइडेड दैट वॉट इफ़ वी यूज़ अवर फिल्म्स एज सॉफ्ट पावर फॉर द कंट्री एंड शोकेस इंडियन स्टोरीज। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी टाइम भी मिल गया था 2-3 महीने का, तो वी स्टार्टेड बुद्धाना ट्रैफिक जैम जब रिलीज नहीं हो रही थी, 5-6 साल वो अटकी रही फिल्म, विच इज़ द न्यू जर्नी ऑफ माय करियर। तो हमने कहा क्या करें, तो वी सेड ओके अगर कोई रिलीज थिएटर में नहीं करता है लेट्स टेक इट टू पीपल, और वहाँ से ये सिलसिला चालू हो गया। और कश्मीर फाइल्स के साथ भी हमने ये किया, वी ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस बार टाइम कम था तो सिर्फ अमेरिका कर पाया, अदरवाइज आई वॉन्टेड टू शो इट इन मैनी अदर कंट्रीज। आई वॉन्टेड पीपल टू नो बिफोर वी शो इट इन इंडिया। I wanted to take it on the world stage to impress upon people that what an incredible, extraordinary job India has done. और जहाँ भी हम अमेरिका में गए, everywhere people stood up, gave standing ovations, not to me or not to the film, but to this new India, the India which believes that India can. मैंने कहा नाना, मुझे 4-5 झापड़ मार देना, लेकिन ये रोल जैसा लिखा है exactly वैसे ही करोगे कि नहीं? And I promise you. नाना वॉज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट। जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं, 24 घंटे सबको दौड़ाना, खुद सबसे पहले पहुंचना। एंड ही मैं जब इनके रूम में गया वहाँ पे लखनऊ में, जब हम लोग पहले दिन स्वीट में, तो वहाँ पूरे स्वीट में सिर्फ कागज ही कागज बिखरे हुए थे। और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर 79 ये सुन, लिख लिख के जो मिल जाता था उसे पकड़ के मेरे डायलॉग। एंड ही वर्क सो हार्ड, क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे, टेक्निकल हैं, इंग्लिश में भी है। अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है तो हम रट लेते थे यार। फिर जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मतलब बिल्कुल, मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो, अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इंप्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो, और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ। मैं सच कहता हूँ, वो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया, इतना काटा यार, ऐसा बहुत काम करवाता है, और सुबह से लेकर शाम तक। मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूंगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवाते थे। ये झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते और काम करो, प्रॉब्लम ये। After watching this trailer, I have to say, 30 years and counting I've been in this industry, I think I'm going to be the proudest of this work of mine. Wow. I really am. So thank you Vivek, thank you Pallavi, thank you everyone. What is a war? War is when your life is under attack. And during COVID, everybody's life was under attack. And at that time, there were some people,
often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. But in this situation, there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines and they were trying to sabotage Indian vaccine for their political agenda. So, and these, the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. I don't want to take any names. कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई, अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग पहलुओं से बनाई. क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार, पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है. इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर. मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म बना रहे हैं. तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ. तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई. जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है. प्रॉब्लम यह है कि हम लोग इस तरह की कहानियां तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे. हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं. तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए. भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए. एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड. मैं बता दूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है. मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ. वाई सुपर राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि ही मेड द फर्स्ट एंटी कैंसर ड्रग कॉल्ड मीथोट्रेक्सेट, और इट वाज रिटन बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट. ही सेड ही डिजर्व 3 नोबेल प्राइजेस, नॉट 1, 3 नोबेल प्राइजेस. पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते, वो चली जाती, खत्म हो जाती. जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वायरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं. ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं. पर आज तक बायोसाइंस और वायरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली, वैक्सीन बनाने के बाद भी, इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली. प्रॉब्लम यह है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है. हम हेल्थ के नाम पर सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं. तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वायरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड? आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए, जब भी बात, पिछले 9 महीने से सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन व्हेनेवर दे टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स या इस साल की रिलीजेज या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता. आज सुबह ही, अभी आने के पहले, ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन द 28th. और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा? सी, इन दिस फिल्म देयर इज नो फिक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ ट्रू स्टोरी. If you know the rules and the guidelines of CBFC, you're not allowed to write a true story in any film. Maximum you can do is inspired by true life incidents, that's what you can do. Perhaps you will find this is the only film which has got a true story.
because this book is based on the, sorry this film is based on the book written by Dr. Balram Bhargava called Going Viral. So that is one part of the film. The second part is all the detailed 2 years of interviews and the research which we did, and every scientist name is real in this film. As far as the journalist is concerned, in fact, you must have seen that couple of news and the toolkit shot. That is the real paper. I've just changed the foundation's name. That's all I have done, just to not to hurt or get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles, tweets, anything you'll see in this film are absolutely real. Though we have blurred the names in India because Indian CBFC has certain guidelines. Character's name, I have tweaked this thing, but when you'll see the film, you'll know exactly who these are. Every single thing from first frame till the last frame. In Kashmir Files, we had created some fictional characters, though every event and incident was true. In this, every single thing is true. In fact, a whole lot of dialogues in the film are also coming from the scientist's mouth. It's not that I have imagined them. मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए. मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी, तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज पे बनती थी. और जो लोग नहीं जानते हैं, चूँकि नई जनरेशन के लोग को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स. यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, सारी इतनी सारी फिल्में थी और जॉनरा का नाम था उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल. आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी. बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है. वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड. हमारी जितनी फिल्में थी अगर आप देखिए, उन सब में सोशल इवेंट्स की होती थी, और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था जो कि ऑपरेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इविल को सामने ला के उसको रखता था. धीरे धीरे चूंकि एनआरआई मार्केट बहुत डेवलप हो गया, इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया. आई हैव डन नथिंग न्यू. मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है. फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए, और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें. वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है. अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती उसके ऊपर, ऑस्कर विनिंग. तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है. हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी, सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना. गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते. तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स, क्योंकि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है. हम भूल ही गए हैं कि ये देश, अगर आज इतना दुनिया इसको नई नजर से देख रही है, तो वो कॉमन मैन के कारण है. तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं, जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे, तब तक आम आदमी जो है, आम यंग जनरेशन जो है, हाउ विल दे फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द कंट्री. दैट्स ऑल आई एम डूइंग. तो पहली बात, वो जो अंतर था, एक कमर्शियल फिल्म और समांतर फिल्म हो रहा नहीं अब, उस जमाने में था, अब वो तो है नहीं. OTT आने के बाद हमारी हर किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और जितने व्यूवर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते हैं. तो वो समांतर फिल्म का वो रहा नहीं. रहा थॉट कौन सा अब रखते हैं. अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा. मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार. अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते हैं ये पसंद करने के लिए. अब मैं एक्टर हूँ, कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूँ, अब उसके अवकाश हो ना हो, लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूँ आपके ऊपर. एक फिल्म उसकी गिर जाए, चलो दूसरी फिल्म में मैं लूँगा, तीसरी, 10 फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयाँ कम नज़र आने लगती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो, और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है. वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का. क्यों
कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने में मजबूर करते हैं और हमको ऐसा ऐसा लगता है नहीं यही अच्छी फिल्म है। उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार दो फिल्मों में फर्क है, वो जिंदा है नहीं, दो फिल्मों में अच्छा और बुरा। अच्छा। जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे, जो उसको हम अच्छा कहने लगे हैं, वो और ये अच्छा, इसमें बहुत अंतर है। तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा, ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है। तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं, आज मैं हैरान हूँ, मैं तो जाता नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं, जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया, अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है, मैंने ऐसे किया वैसे किया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलूँ। और सबसे गंदी बात यह है कि ये गलत लफ्ज़ निकल गया ना, तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज़, अब है भाई इंसान है, एक आधा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता। तो हमें वो, मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया, जितना जितनी जान डाली है अपने काम में डालो यार, यहाँ बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूँ और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है, और ना भी करूँ तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी है। और ये मैं सच कहता हूँ, मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए, तो मुझे वो खाम को कहीं गांव से मैं इधर आना पड़ा, लेकिन नहीं ये फिल्म है। अगर दूसरी कोई एक बहुत कमर्शियल किस्म की फिल्म होती तो वह शायद नहीं जाता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है, मैं हूँ, मैं मेरा खून है, मुझे लगता है कि ये मेरी बिरादरी है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।